सुशील कुमार का गैंगस्टर दोस्त, सागर मर्डर से नीरज बवाना का सीक्रेट कनेक्शन। गाड़ी है ये नीरज बवाना गैंग से जुड़ी हुई है, तो क्या उस रात को सुशील पहलवान ने नीरज बवाना गैंग से मदद ली थी? दो गैंगस्टर के चक्रव्यूह में सुशील कुमार। सुशील कुमार पर हत्या के आरोप लगने के बाद अब उसकी कहानी में एक साथ दो गैंगस्टर की एंट्री हुई है, पहला नीरज बवाना तो दूसरा काला जठेड़ी। और सुशील के फरारी कांड की इनसाइड स्टोरी। इंटरनेशनल पहलवान सुशील कुमार की पहचान कुछ दिन पहले तक ओलंपिक चैंपियन के तौर पर थी, लेकिन आज उस चैंपियन के चमकते हुए करियर पर लग चुका है बदनामी का दाग। कुछ दिन पहले तक पूरे देश को सुशील पर गर्व था, लेकिन सुशील पर लगे संगीन आरोपों ने आज उसके चाहने वालों के सिर शर्म से झुका दिए हैं। सागर हत्याकांड के सनसनीखेज इल्जामों ने सुशील कुमार को शोहरत की बुलंदियों से गिराकर सीधे बदनामी के दलदल में धकेल दिया है, और इसी बीच दो कुख्यात गैंगस्टर के साथ सुशील के रिश्तों की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये कुश्ती और क्राइम की दुनिया के गठजोड़ का शर्मनाक सच है, वो सच जिसका खुलासा ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच में इस सनसनीखेज कहानी के अभी तक तीन किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार है शोहरत की बुलंदियों पर बैठा ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार। दूसरा किरदार है खतरनाक गैंगस्टर नीरज बवाना, जो तिहाड़ जेल में बैठकर अपराध का काला साम्राज्य चला रहा है। और तीसरा है मोस्ट वांटेड सरगना काला जठेड़ी, जो मलेशिया से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार, गैंगस्टर नीरज बवाना और काला जठेड़ी के रिश्तों के एक ऐसे त्रिकोण का पर्दाफाश हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। रिश्तों के इस त्रिकोण में छुपी हुई है दो गैंगस्टर्स के साथ सुशील कुमार की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी। ऐसी कहानी जिसने पुलिस के पहरे में भी सुशील कुमार की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। पुरानी कहावत है, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। सुशील कुमार पर हत्या के आरोप लगने के बाद अब उसकी कहानी में एक साथ दो गैंगस्टर की एंट्री हुई है, पहला नीरज बवाना जिसके साथ सुशील की दोस्ती की बात सामने आ रही है, तो दूसरा काला जठेड़ी जो छत्रसाल स्टेडियम में खूनी खेल के बाद सुशील का दुश्मन बन गया है। दो गैंगस्टर के चक्रव्यूह में कैसे फंस गया ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार? जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ सुशील की दोस्ती का पूरा सच क्या है, और सागर हत्याकांड से नीरज बवाना का क्या कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हम आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे और वो सबूत भी दिखाएंगे जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने किया है सुशील और नीरज बवाना की दोस्ती को बेनकाब करने का दावा। दो बार ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाला इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार तकरीबन 40 घंटों से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। इन 40 घंटों में दिल्ली पुलिस कई बार सुशील कुमार से सागर मर्डर केस के बारे में पूछताछ कर चुकी है। इन 40 घंटों के दौरान सुशील कुमार से उन तमाम सबूतों और सुरागों की तस्दीक भी कराई गई जो सागर हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस के हाथ लगे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक
ऐसे ही कुछ पुख्ता सबूत हैं। मॉडल टाउन थाने में खड़ी ये तीन गाड़ियां दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन सभी गाड़ियों का ताल्लुक छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हुए खूनी कांड के साथ है। दरअसल 4 और 5 मई की दरमियानी रात को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े के बाद जब दिल्ली पुलिस ने सुशील और उसके साथियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की तो ये तीन गाड़ियां बरामद हुई थी। इनमें से एक गाड़ी होंडा सिटी है जिस पर दिल्ली की नंबर प्लेट लगी हुई है। रजिस्ट्रेशन नंबर है DL8CAY6206। दूसरी गाड़ी मारुति ब्रेजा है जिसकी नंबर प्लेट पर हरियाणा का नंबर दर्ज है HR16V6451। और थाने में खड़ी ये तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR29AJ0110 है। इन तीनों गाड़ियों में से दो का रजिस्ट्रेशन नंबर भले ही हरियाणा का है लेकिन तीनों गाड़ियों का ताल्लुक एक ही खूनी कांड के साथ बताया जा रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में खड़ी यह स्कॉर्पियो गाड़ी, ब्रेजा और साथ ही होंडा सिटी गाड़ी, ये सभी गाड़ियां पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में उस रात को ही वारदात के बाद बरामद की थी। इसी होंडा सिटी गाड़ी के अंदर सुशील कुमार सवार था। जब वो छत्रसाल स्टेडियम में पहुंचा था तो वही उसके कुछ साथी ब्रेजा गाड़ी में बैठे हुए थे। पुलिस जांच में पता चला है कि ये होंडा सिटी गाड़ी सुशील पहलवान की है। पुलिस का दावा है कि 4 मई की रात सागर धनखड़ और उसके दोस्त सोनू महाल को इसी गाड़ी में किडनैप करके छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली रात पहलवान सुशील कुमार भी इस गाड़ी में मौजूद था और उसके सामने ही सागर धनखड़ और सोनू महाल को होंडा सिटी गाड़ी से उतारकर उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मारपीट में शामिल सुशील कुमार के दूसरे साथी इस ब्रेजा गाड़ी में सवार थे। थाने में खड़ी इस तीसरी गाड़ी की कहानी सबसे चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस की तहकीकात में खुलासा हुआ है कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी सागर मर्डर केस में कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के सीक्रेट कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। पूरे मामले के अंदर सबसे अहम ये स्कॉर्पियो गाड़ी हो जाती है क्योंकि जांच में ये बात सामने आई है कि जो गाड़ी है ये नीरज बवाना गैंग से जुड़ी हुई है। तो क्या उस रात को सुशील पहलवान ने नीरज बवाना गैंग से मदद ली थी? उसके जो साथी थे नीरज बवाना गैंग से जुड़े जो गैंगस्टर थे, क्या वो छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद के लिए पहुंचे थे? ऐसे कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले की जांच में खड़े होने लगे हैं। हालांकि ये बात भी अभी साफ हुई है कि जो सागर धनखड़ है उसके साथ सोनू महाल रहता था, वो काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है और इसी के चलते जो पूरा मामला है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा है और अब क्राइम ब्रांच सुशील से पूछताछ कर रही है। जल्दी उसे छत्रसाल स्टेडियम भी लाया जाएगा। 5 दिन की रिमांड पर सुशील कुमार है और अब पुलिस साथ भी इसी एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या सुशील कुमार का कनेक्शन नीरज बवाना गैंग से तो नहीं है। अभी तक की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा यही हुआ है कि खूनी कांड के बाद बरामद हुई स्कॉर्पियो गाड़ी कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के ही एक खास गुर्गे की है। पुलिस को पता चला है कि नीरज बवाना का वो गुर्गा 4 मई की रात को मौका वारदात पर मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक उस रात सुशील की तरफ से नीरज बवानिया गैंग और काला असौदा गैंग का प्रिंस दलाल समेत 35 से 50 लोग रात को छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए थे। वहीं सागर धनखड़ के साथ उसका दोस्त सोनू महाल था जो कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के गैंग से ताल्लुक रखता है। मतलब साफ है कि अभी तक की पुलिस जांच में साफ हो चुका है कि सागर मर्डर केस में सिर्फ सुशील पहलवान का नाम ही शामिल नहीं है बल्कि इस खूनी कांड पर
दिल्ली एनसीआर के दो कुख्यात गैंगस्टर्स का साया भी नजर आ रहा है, एक नीरज बवाना गैंग और दूसरा काला जठेड़ी गैंग। मैं आपको बता दूं कि चैंपियन सुशील कुमार और गैंगस्टर नीरज बवाने के बीच दोस्ती की यह कहानी उन तथ्यों पर आधारित है जो दिल्ली पुलिस की अभी तक की जांच के दौरान सामने आए हैं, लेकिन अभी इस कहानी का पूरा सच सामने आना बाकी है। पुलिस को पता चला है कि जिस वक्त सागर और उसके दोस्त सोनू महाल को जानवरों की तरह पीटा गया था, उस वक्त मौके वारदात पर बहुत बड़ी संख्या में गैंगस्टर के गुर्गे मौजूद थे। सवाल यह है कि पहलवानों के आपसी झगड़े में गैंगस्टर की एंट्री क्यों और कैसे हुई? तो क्या ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार ने जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना से मदद मांगी थी? ओलंपियन सुशील कुमार और नीरज बवाना के रिश्तों की कहानी ने दिल्ली पुलिस को भी हैरान कर दिया है। कुश्ती के अखाड़े और क्राइम के इस गठजोड़ का सच सामने लाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार और नीरज बवाना की कथित दोस्ती की हकीकत को बेपर्दा करने के लिए पुलिस अब सुशील की जिंदगी के तमाम पन्नों को पलट रही है। दरअसल सुशील और नीरज बवाना की दोस्ती को लेकर इन दिनों कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। ऐसी ही एक कहानी के मुताबिक सुशील और जेल में बंद नीरज बवाना की मुलाकात एक पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के जरिए हुई थी। हम आपको बता दें कि कुख्यात नीरज बवाना पूर्व विधायक रामबीर शौकीन का भांजा है। खास बात यह है कि रामबीर शौकीन खुद भी काफी वक्त से सलाखों के पीछे है। इसी तरह कई दूसरे बदमाशों के साथ भी सुशील के रिश्तों की कहानियां सामने आ रही हैं, जो कुछ साल पहले तक पहलवानी के अखाड़े में जोर आजमाइश किया करते थे, लेकिन अब गुनाह के खिलाड़ी बनने के बाद वो कानून के साथ दांव पेंच खेल रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस किसी भी कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रही है, बल्कि उन तमाम कहानियों की तह तक जाने के लिए तहकीकात कर रही है। सुशील कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लिहाजा सागर हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस सुशील के कुश्ती करियर के साथ साथ उसके कारोबारी रिश्तों को भी खंगाल रही है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि पिछले 4-5 सालों से सुशील कुमार का छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती की कोचिंग देने के अलावा और क्या क्या काम धंधा रहा है। दरअसल पुलिस को पता चला है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली और आसपास के कई शहरों में टोल प्लाजा और दूसरे टेंडर्स को लेकर सुशील कुमार की सक्रियता काफी बढ़ गई थी। लिहाजा पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन तमाम धंधों के पीछे नीरज बवाना जैसे किसी कुख्यात गैंगस्टर का हाथ तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीरज बवाना के साथ दोस्ती की जो कहानियां सामने आ रही हैं, उस दोस्ती के पीछे भी कोई कारोबारी गठजोड़ तो नहीं था? गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ सुशील कुमार की दोस्ती को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच पे जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि सुशील कुमार ने जिन लोगों के साथ मिलकर सागर और उसके दोस्त की पिटाई की, उनमें नीरज बवाना के गुर्गे भी शामिल थे। और अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो आने वाले दिनों में सुशील कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार पर लगे संगीन आरोपों की कहानी में गैंगस्टर नीरज बवाना के अलावा एक और कुख्यात सरगना का नाम आ रहा है, वो है काला जठेड़ी। मलेशिया में बैठे काला जठेड़ी का नाम इस खूनी कांड में कब और कैसे जुड़ा, यह कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए काला जठेड़ी के क्राइम की पूरी कुंडली। संदीप उर्फ काला जठेड़ी, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला काला जठेड़ी सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है, लेकिन क्राइम की दुनिया का एक एक सबक उसने अच्छी तरह याद कर रखा है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी सबसे पहले केबल ऑपरेटर की नौकरी करता था,
जहां से बरसों पहले उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। काला जठेड़ी के खिलाफ लूट, हत्या, एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं। हरियाणा के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ संगीन धाराओं में कई केस दर्ज हैं। काला जठेड़ी दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर है, जो विदेश में बैठकर अपने गैंग की कमान संभाले हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अंदर ही काला जठेड़ी के ऊपर 10 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को पता चला है कि इन दिनों काला जठेड़ी राजस्थान के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी कमान संभाले हुए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले साल काला जठेड़ी पुलिस हिरासत से भाग निकला था। उसके बाद वो 5 एजेंसियों को चकमा देकर मलेशिया भाग गया और वहां से बैठकर अपने पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अकेले हरियाणा में काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम है और इसके गुर्गे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तक अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि काला जठेड़ी इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया है और अकेला दिल्ली का ऐसा डॉन है जो सलाखों से बाहर रहकर अपने गिरोह को लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस खूनी कांड के बाद दिल्ली पुलिस ने जब एक बार फिर से गैंगस्टर काला जठेड़ी की कुंडली खंगाली तो पता चला कि इन दिनों उसने राजस्थान के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की कमान भी संभाल रखी है। हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जो फिल्म अभिनेता सलमान खान को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे चुका है। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के नजदीक भी पहुंच गया था, लेकिन ऐन वक्त पर खूनी साजिश का वो खतरनाक प्लान फेल हो गया और लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा सलाखों के पीछे पहुंच गया। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई साल से सलाखों के पीछे कैद है और राजस्थान पुलिस ने उसके गैंग की कमर तोड़ कर रख दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की गैर मौजूदगी में अब मलेशिया में बैठा काला जठेड़ी उसके गैंग को मजबूत कर रहा है ताकि वो पूरे देश में लूट, हत्या और जबरन वसूली के नेटवर्क को फैला सके। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की मुलाकात बरसों पहले नजफगढ़ के रहने वाले कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने करवाई थी। हम आपको बता दें कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू भी देश छोड़कर भाग चुका है। वो इन दिनों लंदन में बैठकर अपना गिरोह ऑपरेट कर रहा है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी बेहद खतरनाक गैंगस्टर है। वो विदेश में छुपा बैठा है, लेकिन इस वक्त एक नहीं बल्कि 2-3 गैंग चला रहा है। वो विदेश में बैठकर हिंदुस्तान में क्राइम का नेटवर्क मजबूत कर रहा है। उस गैंगस्टर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता है। जो भी उसकी आंखों में खटकता है उसे वो मौका मिलते ही ढेर करवा देता है। और छत्रसाल स्टेडियम में हुए खूनी कांड के बाद काला जठेड़ी के निशाने पर है ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार। उभरते हुए पहलवान सागर धनखड़ की मौत ने ओलंपियन सुशील कुमार को सिर्फ कानून का ही मेहमान नहीं बनाया है, बल्कि ये ओलंपिक चैंपियन कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के निशाने पर भी आ गया है। जी हां, चौंकिए नहीं, सुशील कुमार को अब काला जठेड़ी गैंग का खौफ सता रहा है। इस खौफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहलवान सागर धनखड़ के साथ सोनू महाल नाम के जिस शख्स पर 4 मई की रात जानलेवा हमला हुआ था वो काला जठेड़ी का भांजा है। 4 मई को हुए हमले में सोनू महाल बुरी तरह से जख्मी हो गया था और इसी बात ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को सुशील कुमार का जानी दुश्मन बना दिया है। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार को इसी बात का डर सता रहा है और सूत्रों के मुताबिक उसने अपने इस डर के बारे में दिल्ली पुलिस को भी बता दिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि सागर धनखड़ और सोनू महल पर जानलेवा हमले के पीछे एक फ्लैट का झगड़ा था। सूत्रों के मुताबिक फ्लैट सुशील कुमार का है,
लेकिन सुशील ने वो फ्लैट अपने शागिर्द सागर धनकड़ को दे रखा था। सूत्रों के मुताबिक सागर के साथ साथ उस फ्लैट में उसका दोस्त सोनू महाल भी रहता था और सुशील को इस बात पर सख्त एतराज था। इसी बात को लेकर सुशील ने पिछले दो दिन पहले ही सागर से वो फ्लैट खाली करवा दिया था, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं थी कि कोई उसके फ्लैट में गैंगस्टर का अड्डा बना दे। सूत्रों की माने तो सागर ने फ्लैट तो खाली करवा दिया था, लेकिन इस दौरान कहा सुनी और झगड़ा भी हुआ था, और उस झगड़े में गैंगस्टर काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल ने सागर का साथ दिया था। पुलिस जांच के दौरान जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक सुनील और उसके साथियों ने सागर और सोनू को सबक सिखाने की नीयत से उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन उस मारपीट में सागर की जान चली गई। यही वजह है कि सागर हत्याकांड में सुनील कुमार मुख्य आरोपी है। हत्या के आरोपों ने ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। कुश्ती के अखाड़े में बरसों तक मेहनत करके सुशील ने जो नाम कमाया था, जो मुकाम हासिल किया था, वो नाम, वो मुकाम, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। 19 दिन, सिर्फ 19 दिनों के अंदर सुशील कुमार नायक से खलनायक बन गया। सिर्फ 19 दिनों के अंदर सुशील के शोहरत पर बदनामी का ऐसा दाग लग गया जो लाख कोशिशों के बाद भी जिंदगी भर धुल नहीं पाएगा। इन 19 दिनों में सुशील ने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए पुरजोर कोशिश की, हर हथकंडा अपनाया, लेकिन कोई भी हथकंडा आखिरकार काम नहीं आया। आप भी देखिए सुशील कुमार के 19 दिनों के फरारी कांड की इनसाइड स्टोरी। मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद एफआईआर होते ही सुशील कुमार अंडरग्राउंड हो गया था। अब पुलिस पूछताछ में उसने अपने फरारी कांड को लेकर कई राज खोले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार होने के बाद से सुशील कुमार ने 15 हस्यम इस्तेमाल किए। पकड़े जाने के डर से सुशील कुमार इंटरनेट कॉलिंग कर रहा था। सुशील इंटरनेट डोंगल की मदद से पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस कई बार उसके करीब पहुंची तो उसने इंटरनेट से फोन करना शुरू कर दिया। पुलिस से भागते भागते पैसे जब खत्म हो गए तो दिल्ली आया था सुशील कुमार। दिल्ली के मुंडका से ही पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि वो जिस स्कूटी पर सवार होकर मुंडका इलाके से पैसे लेने जा रहा था, वो स्कूटी दिल्ली के हरिनगर इलाके में रहने वाली एक लड़की की है। वो लड़की सुशील कुमार की करीबी है और स्पोर्ट से भी जुड़ी हुई है। हालांकि सुशील ने दावा किया है कि उस लड़की का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उसके दावों की पड़ताल कर रही है। सुशील कुमार करीब 19 दिनों तक अंडरग्राउंड रहा। 19 दिनों तक वो पुलिस को कच्चा देता रहा। जाहिर है कि इन 19 दिनों के दौरान कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा था, लेकिन वो कौन है जो सुशील कुमार को पनाह दे रहा था? वो कौन है जो सुशील को गिरफ्तारी से बचाना चाहता था? वो कोई नेता है या फिर बड़ा बिजनेसमैन? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुशील के मददगार आखिर कब होंगे बेनकाब? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP News आपको रखे आगे।